नमस्कार दोस्तों, मैं करिश्मा थोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ, एक ऐसा ऐप लाया हूँ जिसकी मदद से आप अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, आप इन तीनों अकाउंट को एक ही एप्लीकेशन के अंदर चला पाएंगे। आपको तीनों अलग अलग एप्लीकेशन नहीं रखने पड़ेंगे। दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन खोल लेना है फ्लाई शो करके। आपको डाउनलोड लिंक एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वरना प्ले स्टोर में जाके इसको ढूंढ सकते हैं। दोस्तों इसमें आपके यहाँ सबसे पहले आता है फेसबुक। दोस्तों सबसे पहले आपको लॉगिन करने बोला तो आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने आपका ये फेसबुक का अकाउंट खुल जाएगा। इसमें आप अपनी पोस्ट को लाइक, कमेंट या सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों आपके यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट, मैसेजर, मैसेंजर मिल जाता है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, आपको सर्च बार मिल जाती है, आपको यहाँ पे अपना ये पूरा पैनल मिल जा रहा है। दोस्तों अब हमारे सेकेंड एरिया में चलते हैं जो कि इंस्टाग्राम। दोस्तों इंस्टाग्राम को भी आपको इंस्टाग्राम दोस्तों आपको इसमें भी आपको पहले लॉग इन करना पड़ेगा एज यूजुअल। उसके बाद यहाँ पे भी आपको बहुत सारे मतलब आपकी आईडी पूरी यहाँ पे शो हो जाएगी। आपके सामने यहाँ पे सर्च आ जाती है, आपके यहाँ पे नई पोस्ट डालने का ऑप्शन है और आप किसी पोस्ट पर से लाइक भी कर सकते हैं जैसा कि आपने अभी देखा इसमें। और यह हमारा सर्च का बाहर है, यहाँ से आप अपनी वो नोटिफिकेशन सब चेक कर सकते हैं। एक्टिविटी आपकी प्रोफाइल आ गई। अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप कर लीजिए। मेरी आईडी है K190402, ये मेरा यूज़र नेम है। यहाँ से आप अपना अपलोड भी कर सकते हैं कुछ करना। चलते हैं हमारे तीसरे पेज की तरफ। तो तीसरा पेज दोस्तों मिलता है यहाँ पे, ये ट्विटर का। आपको इसमें अपना लॉगिन या आप साइनअप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट है तो आप लॉगिन कर लीजिए, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइनअप कर लीजिए। तो उसके बाद यहाँ पर आपके सामने पूरा आपका ये ट्विटर भी लोड हो जाएगा। दोस्तों मेरे को एप्लीकेशन बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं सोचा मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ले आऊँ इसके ऊपर। तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन और ये मैसेज सारा ऑप्शन से हमें यही मिल जाते हैं। दोस्तों इसके होम का भी आ गया, या आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बता दूँ कि बीच में आपको ऐसा स्लाइड वाला फीचर मिलेगा, आप एक पेज से दूसरे पेज पे आप स्लाइड करके जा सकते हैं। दोस्तों मेरे को ये भी फीचर बहुत अच्छा लगा इसका, कि आपको जैसे स्विच करें एक सेकंड में आप ऐसे स्वाइप करेंगे राइट या लेफ्ट तो आपका मतलब स्विच हो जाएगा। उससे बहुत अच्छा एप्लीकेशन ये लगा है और ऑलमोस्ट ये सारे काम करता है, तो आप इस एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपने मतलब इस वीडियो लाइक नहीं किया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए। आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों मिलता है आपको मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।